तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो पुराना मकान है, खास करके पुराने मकान की मैं बात करता हूँ, पुराने मकान में जो नीचे का फ्लोर होता है, सबसे ग्राउंड फ्लोर, उसमें ऐसा सीलन आ जाता है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पिछले दिवाली में इसकी रिपेयर करी थी, पिछले दीपावली में रिपेयर करी थी बाल पट्टी से। जैसे ये पपड़ी बन गया, ऐसे बना हुआ था, लेकिन हमने पिछले दिवाली में इसकी रिपेयर बाल पट्टी से करा था। लेकिन वो क्या हुआ, वो 2-3 महीने के बाद फिर इस तरह से झड़ गया। फिर मैंने सोचा कि क्या बाल पट्टी से ऐसा होता है या वाइट सीमेंट से भी ऐसा होगा, तो मैंने ट्राई किया। ये देखिए, जैसे कि ये इसको करने के बाद 2-3 महीने के बाद ही ये ऐसे उतर गया था। तो मैंने वाइट सीमेंट से ट्राई करा पहले कि क्या वाइट सीमेंट भी इसी तरह से पपड़ी बन जाएगा या ये टिकाऊ हो जाएगा। तो मैंने पाया कि टिकाऊ है। ये देखिए, जैसे कि हमने आज से 7-8 महीना पहले लगाया, ये देखिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है। मतलब ये जो वाइट सीमेंट है, ये हमारा कामयाब है। तो आप दोस्तों पुराने दीवार में, पुराने मकान में, और जो पुराना दीवार इस तरह का सीलन अगर होता हो, तो आप जो है बाल पट्टी का इस्तेमाल ना करके बल्कि वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करें। और कैसे करें, अब उसको मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे ये पपड़ी बन गया, तो आपको ये पपड़ी जहाँ तक छूट गया है इस तरह से छुड़ा लें। ये देखिए, जहाँ तक भी ये पपड़ी है वहाँ तक छुड़ा लीजिए, जहाँ तक ये छूट सकता है। यह देखिए, ये जहाँ तक छूट रहा आप छुड़ा लीजिए। ये देखिए, ये जहाँ तक मतलब सीलन है वहाँ तक ही आराम से छूट जाएगा। ये देखिए, अब जहाँ से ये रुक जाएगा वहाँ से सीलन खत्म होगा। ये देखिए, अब इसके आगे जो देखिए ये पता जो है ये नहीं छूट रहा। ये देखिए, थोड़ा बहुत छूट रहा है, मैं छुड़ा लेता हूँ। तो आपको मतलब जहाँ तक ये छूट रहा है वहाँ तक आप पहले छुड़ा लें इस तरह से। ये देखिए, लेकिन इसमें इस्तेमाल जो करना है आपको, वो जो है वाइट सीमेंट का करना है, ये बाल पट्टी का नहीं है। बाल पट्टी क्या है कि सीलन से वो एकदम 1-2 महीने में ही छोड़ देता है, लेकिन हमने वाइट सीमेंट का जो इस्तेमाल किया है, तो वो 7 महीना पहले भी मैंने लगाया है, वो भी अभी तक नहीं छोड़ा है। तो इसलिए आप जो ऐसे काम के लिए आप क्या करें कि जेके बाल पट्टी है या कोई भी कंपनी का बाल पट्टी है, उसका इस्तेमाल ना करें। इसके जगह से आप इस्तेमाल करें सीलन में, खास करके जो पुराना मकान में सीलन आता है उसमें खास करके आप वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करें। ये देखिए, पहले इस तरह से आप छुड़ा लीजिए। ये देखिए, ये छूट गया। देखिए, जहाँ तक ये जो सीलन की वजह से ये झड़ गया था, ये हमने सारा जहाँ जहाँ पे झड़ गया था ये सारा मैंने छुड़ा दिया है। इसके ऊपर जो है सीलन नहीं रहने के कारण ये क्या है, जो ख़राब नहीं है, ये जहाँ तक ख़राब था मैंने सारा छुड़ा दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है प्रोसेस, कि इसके बाद आपको इसको इसके ऊपर पानी मारना है। पानी ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी आपको मारना है इस तरह से। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पानी नहीं मारना है, क्योंकि वाइट सीमेंट जो है वो एकदम तुरंत सेट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको, इसलिए उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपको पानी मारना है हल्का हल्का। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यह देखिए, ये है वाइट सीमेंट। ये देखिए, ये वाइट सीमेंट है। ये वाइट सीमेंट जो है ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा, और ये 5 किलो 130 रुपये का आता है। ये देखिए, कोई खास महंगा भी नहीं है, लेकिन आपका दीवार का जो है लाइफ है, जो कम से कम, तो जो बाल पट्टी की अपेक्षा कम से कम 5 गुना ज़्यादा दिन तक टिकाऊ होगा ये जो वाइट सीमेंट है। अब इसको कैसे आप लगाओगे उसका मैं तरीका बताऊंगा। ये देखिए, ये पैकेट को अब मैं खोल रहा हूँ। इस तरह से आप खोलेंगे, यह देखिए, अब हमने परात में इस वाइट सीमेंट को डाल दिया है। अब इसको इस तरह से हम पट्टी की तरह बनाएंगे। मतलब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको कैसा बनाना है, जो कि आपको दीवार पे आसानी तरीके से जो पट्टी की तरह खिंच जाएगा और बिल्कुल प्लेन हो जाएगा दीवार। यह देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एडिटिंग करके मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से होगा, तरह से मिलाना है आपको, बिल्कुल अच्छी तरह मिलाना है, ताकि ये नहीं कि कहीं सूखा रह जाए, कहीं गीला रह जाए, बिल्कुल एकदम से ऐसा बनाना है कि जैसे मिक्स हो जाए सही से।
तरह से मिलाना है आपको। जैसे देखिए रोड़ी रोड़ी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल मिक्स करना है सही तरीके से, इस तरह से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जैसे लटीलापन इसमें होता है, चिकनापन, कहीं ढेला रोड़ी ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल प्लेन सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मिलाना है आपको। इसको मिलाने के बाद ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है। जैसे कि बाल पट्टी आप मिलाते हैं तो उसको एक घंटा दो घंटा के बाद भी आप लगाने के बाद वो सेट नहीं होता है, लेकिन वाइट सीमेंट में ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको घोल देंगे तो इसको 10-15 मिनट के अंदर ही इसको यूज कर लेना है, नहीं तो ये सेट हो जाता है। इसकी जो जमावट है वो बहुत जल्द है। ये देखिए अब ये हो गया तैयार। अब हम आपको इसकी फिनिशिंग करके बताएंगे कि आपको इस पर जो आपका दीवार झड़ा हुआ है सीलन की वजह से, तो आप उसको फिनिशिंग कैसे करेंगे। यह देखिए अब मैं आपको दिखाऊँगा दीवार पर लगा कर। पहले देखिए छुड़ा दिया था, उसके बाद पानी मैंने मारा, उसके बाद अब इसकी फिनिशिंग जो है वो हम आपको करके बताएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको करना है। खास करके आपको जोड़ पे ध्यान देना है। ये देखिए जो जोड़ पे है, इस तरह से टेपर का आप पत्ती लगाएंगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि कहाँ पर आपका जोड़ है। यह देखिए खास करके जोड़ पर ध्यान देना है, और बाकी आपको सारे दीवार पे वैसे ही खींच लेना है। देखिए वैसे जैसे बाल पट्टी खींचते हैं वैसे लगभग वैसे खींचा जाता है, लेकिन इसमें सावधानी यही देना है कि बाल पट्टी क्या है कि तुरंत सेट नहीं होता है, और इसमें आपको घोल बनाने के बाद जल्द से जल्द उसको यूज करना पड़ेगा। खास करके आपको दोस्तों ज्वाइंट पर ध्यान देना है, खास करके देखिए ज्वाइंट पे आपको इस तरह से ज्वाइंट देना है कि आपको ज्वाइंट पता नहीं चले बाद में कि हमने कहाँ से रिपेयर करा है। ये देखिए इस पे ध्यान देना आपको खास करके। ये देखिए क्योंकि ज्वाइंट पे जो अगर आप मेल सही कर दिए तो क्या होगा कि ज्वाइंट बिल्कुल नहीं दिखेगा, और फिर ये भविष्य में झड़ेगा भी नहीं। बाल पट्टी वाला तो हर साल आपको झड़ जाएगा, हर साल क्या 2-3 महीने में ही झड़ना चालू हो जाता है, लेकिन वाइट सीमेंट में ऐसी बात नहीं है। इसमें यही खूबी है कि आपका ये सीलन से भी नहीं झड़ेगा बिल्कुल। ये देखिए ये समझ लीजिए एक तरह का वाटर प्रूफ हो जाता है, जैसे कि टाइल लगा देते हैं तो टाइल के बाद नहीं झड़ता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी आयु जो है टाइल की तरह हो जाएगा। ये देखिए इस तरह आपको लगाना है। ये देखिए थोड़ा टाइम हो गया तो ये सेट होने जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है कि हाँ सेट हो गया। इसमें हल्का सा पानी दे करके कर सकते हैं, इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा टाइट हो गया था, इस वजह से हल्का सा पानी दे करके। आपको घबराना नहीं है कि हाँ हमारा माल सेट हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, इतना जल्दी सेट नहीं होता, मतलब हल्का सा पानी दे करके फिर वो सही हो जाएगा। ये देखिए फिर आपको मैं पूरी लगा के दिखाऊँगा। ये देखिए इसकी जो फिनिशिंग है, जैसे बाल पट्टी का जो क्या है पपड़ी बन जाता है ऐसा, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको लाइफ टाइम के लिए सही हो जाएगा। ये कभी भी नहीं झड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 7 महीना पहले मैंने लगा के ट्राई किया था। पहले मैं पहले दोस्तों को ऐसे मैं धोखे में नहीं रखूँ, पहले मैं अपना खुद ट्राई करके तसल्ली कर लूँ कि जो वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तो हकीकत में सच है या गलत। तो मैंने पहले ट्राई किया है, 7 महीना पहले मैंने लगाया था और अब तक इसमें ज़रा सा भी फॉल्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल
नए दीवार की तरह उसकी फिनिशिंग है, जरा सा भी नहीं उसमें जड़ा है। तो इसीलिए हमने पहले ट्राई किया था कि पहले मैं ट्राई कर लूँ, उसके बाद फिर आम पब्लिक को बताऊँ कि हाँ भाई आपका जो पुराने मकान का सीलन है वो आप कैसे सही करें। देखिए अब ये जो देखिए हल्का हल्का सा ये जो दिख रहा है आपका दाना सा, इसको आप क्या करते हैं रेग बार से थोड़ा सा पॉलिश करके हटा सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर पेंट कीजिए, फिर आपका फिनिशिंग ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल प्लास्टिक पेंट जैसा।